दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली जिले के कन्या विद्यालय के पास, जहां पर वोट के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। आज हमारे समक्ष एक व्यक्ति भी मौजूद हैं जो कि कार्यकर्ता भी हैं बीजेपी के। जी, क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि मोदी जी के नाम पर जिस तरह से मतदान पड़ रहा है, रीति पाठक कम से कम सिंगरौली विधानसभा में 35 से 40 हज़ार की लीड रहेगी और मतदाता स्वेच्छापूर्वक जा रहे हैं और मतदान कर रहे हैं, देश हित में कर रहे हैं। जो मोदी जी की स्कीम है उसके नाम पर पड़ रहा है, जैसे मकान है 2 लाख रुपए वाला, 2.5 लाख रुपए वाला है, शौचालय है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, गैस योजना है, इसके आधार पर क्षेत्र की जनता मतदान कर रही है। चलिए, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जाए तो काफ़ी लोग हैं और हर तरफ से देखा जाए तो गाड़ियां हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, निरंतर लोग अपना वोट, अपना मत अपने अपने प्रत्याशी को दे रहे हैं। और हो भी क्यों ना, देश का प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है। जयंत बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, पोल खोल पोस्ट, जय हिंद। और हाँ, इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही बताना चाहेंगे 2019 की राजनीति से जुड़ी हुई तत्काल की न्यूज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट आपको समय पे मिलता रहे।